देखिए उनके आने का था कि हम गरीबों के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम वाकई बेमिसाल है कि सारे विधायकों की सैलरी चौगुनी होगी। बेमिसाल तो है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं सोचा था कि सेवा करने के लिए आके और तुरंत अपना ध्यान सबसे पहले किया जाए। बिजली मुफ्त नहीं मिली, पानी वाईफाई नहीं मिला, पानी मुफ्त नहीं मिला, शौचालय नहीं बने, अस्पताल नहीं बना, स्कूल नहीं बना, किया क्या? सिवाय होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा किया क्या? आप देखिए हर चौराहे पे उन्होंने कहा था कि हाँ जनता के बीच में रहूंगा, तो हर चौराहे पे हर गली में एक होर्डिंग आपको जरूर उनका मिल जाएगा। जनता की गाढ़ी कमाई सारा प्रचार में उड़ा रहे हैं, जरूर जनता के बीच में है। मैम, हाल ही में केजरीवाल सरकार का ये बयान आया कि एमसीडी बहुत घोटाला कर रही है, इसलिए हम एमसीडी का ऑडिट कराना चाहते हैं। जैसे ही ऑडिट की बात आती है तो एमसीडी स्ट्राइक पे चली जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए एमसीडी में वो तो आए तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इसी के नाम पे आए, लेकिन आप खुद देखो अखबार में पढ़ो कि हमारा तो कोई पार्षद भ्रष्टाचार में पकड़ा नहीं गया, लेकिन उनके एक साल में ही कितने विधायकों पे आरोप लगे, कितने तिहाड़ गए, कितनों पे FIR हुआ, गिरेबान में तो झांके। एमसीडी तो बाद में देखेंगे। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ नगर निगम का चुनाव दिख रहा है, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं को चाहिए, MP भी उन्हीं को बनना था, दिल्ली का ले ही लिया, अब निगम भी शायद उन्हीं को चाहिए। इसके लिए ये उनका सगुफा है और शायद इसमें ये सक्सेस ना हो, क्योंकि जहाँ जो जिम्मेदारी इनको दी गई है उसी से जनता त्रस्त है, आगे ये क्या करेंगे? चलते हैं।